अपने शहर वापस आया हूँ टू कास्ट माई वोट, कास्ट माई राइट। और ये हमेशा हमें करना चाहिए 2024 लोकसभा इलेक्शंस। यही बोलना चाहता हूँ कि पहली बार मुझे भी याद है, 18 साल का था, पहली बार वोट दिया था, साइकिल पे गया था, घर के पास ही पोलिंग स्टेशन था। तो आई थिंक वो एक्साइटमेंट रहती है 18 ईयर ओल्ड को, आपको एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट होती है कि आप देश की डेमोक्रेसी में अपने लीडर का चयन करने में हिस्सा ले रहे हैं। सो इट्स अ बिग डील। मुंबई से वोट देने आए हैं और मुझे लगता है ये राइट हर एक को एक्सप्रेस करना चाहिए, नहीं तो हमें कंप्लेंट करने का कोई हक नहीं है अगर हम अपने चहेते लीडर या फिर जो हमें सर्व करने वाले अगले 5 साल उनको अगर वोट ना दे तो। अपने शहर वापस आया हूँ टू कास्ट माई वोट, कास्ट माई राइट। और ये हमेशा हमें करना चाहिए 2024 लोकसभा इलेक्शंस। यही बोलना चाहता हूँ कि पहली बार मुझे भी याद है, 18 साल का था, पहली बार वोट दिया था, साइकिल पे गया था, घर के पास ही पोलिंग स्टेशन था। तो आई थिंक वो एक्साइटमेंट रहती है 18 ईयर ओल्ड को, आपको एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट होती है कि आप देश की डेमोक्रेसी में अपने लीडर का चयन करने में हिस्सा ले रहे हैं। सो इट्स अ बिग डील। मुंबई से वोट देने आए हैं और मुझे लगता है ये राइट हर एक को एक्सप्रेस करना चाहिए, नहीं तो हमें कंप्लेंट करने का कोई हक नहीं है अगर हम अपने चहेते लीडर या फिर जो हमें सर्व करने वाले अगले 5 साल उनको अगर वोट ना दे तो। अपने शहर वापस आया हूँ टू कास्ट माई वोट, कास्ट माई राइट। और ये हमेशा हमें करना चाहिए 2024 लोकसभा इलेक्शंस। यही बोलना चाहता हूँ कि पहली बार मुझे भी याद है, 18 साल का था, पहली बार वोट दिया था, साइकिल पे गया था, घर के पास ही पोलिंग स्टेशन था। तो आई थिंक वो एक्साइटमेंट रहती है 18 ईयर ओल्ड को, आपको एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट होती है कि आप देश की डेमोक्रेसी में अपने लीडर का चयन करने में हिस्सा ले रहे हैं। सो इट्स अ बिग डील। मुंबई से वोट देने आए हैं और मुझे लगता है ये राइट हर एक को एक्सप्रेस करना चाहिए, नहीं तो हमें कंप्लेंट करने का कोई हक नहीं है अगर हम अपने चहेते लीडर या फिर जो हमें सर्व करने वाले अगले 5 साल उनको अगर वोट ना दे तो। अपने शहर वापस आया हूँ टू कास्ट माई वोट, कास्ट माई राइट। और ये हमेशा हमें करना चाहिए 2024 लोकसभा इलेक्शंस। यही बोलना चाहता हूँ कि पहली बार मुझे भी याद है, 18 साल का था, पहली बार वोट दिया था, साइकिल पे गया था, घर के पास ही पोलिंग स्टेशन था। तो आई थिंक वो एक्साइटमेंट रहती है 18 ईयर ओल्ड को, आपको एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट होती है कि आप देश की डेमोक्रेसी में अपने लीडर का चयन करने में हिस्सा ले रहे हैं। सो इट्स अ बिग डील। मुंबई से वोट देने आए हैं और मुझे लगता है ये राइट हर एक को एक्सप्रेस करना चाहिए, नहीं तो हमें कंप्लेंट करने का कोई हक नहीं है अगर हम अपने चहेते लीडर या फिर जो हमें सर्व करने वाले अगले 5 साल उनको अगर वोट ना दे तो। अपने शहर वापस आया हूँ टू कास्ट माई वोट, कास्ट माई राइट। और ये हमेशा हमें करना चाहिए 2024 लोकसभा इलेक्शंस। यही बोलना चाहता हूँ कि पहली बार मुझे भी याद है, 18 साल का था, पहली बार वोट दिया था, साइकिल पे गया था, घर के पास ही पोलिंग स्टेशन था। तो आई थिंक वो एक्साइटमेंट रहती है 18 ईयर ओल्ड को, आपको एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट होती है कि आप देश की डेमोक्रेसी में अपने लीडर का चयन करने में हिस्सा ले रहे हैं। सो इट्स अ बिग डील। मुंबई से वोट देने आए हैं और मुझे लगता है ये राइट हर एक को एक्सप्रेस करना चाहिए, नहीं तो हमें कंप्लेंट करने का कोई हक नहीं है अगर हम अपने चहेते लीडर या फिर जो हमें सर्व करने वाले अगले 5 साल उनको अगर वोट ना दे तो।